ट्रिगर्ड इंसान के इस लाइव स्ट्रीम में ऐसा क्या दिखा कि वो इस स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं? और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन सा सपना आया था कि अगर ये पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता? इस वीडियो का पूरा मजा लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर वन, सौरभ जोशी। सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। एक दिन उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में रात गुजारने का फैसला किया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। सौरभ अपनी वीडियो के लिए अपने गांव के एक पुराने घर में रात गुजारने की सोचते हैं पीयूष और बाकी दो लोगों के साथ। रात के टाइम वो उस भूतिया घर में एंटर करते हैं जिसका कोई मालिक नहीं था। घर में एंटर करने के बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं जिसके अंदर काफी अजीब किताबें और पुरानी चीजें थी जिन्हें सौरभ देखकर वही रख देते हैं। ऐसे ही घूमते हुए रात होने लगती है और वो खाना बनाने की सोचते हैं। वहाँ पर वो सामान लेकर गए थे, मैगी और आटा, जिससे वो मैगी से रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते ही वो रोटी खाने लगते हैं। इतने में ही कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो गेट पर देखते हैं उन्हें व्हाइट कपड़ों में एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो आदमी बीड़ी पी रहा था और इतनी रात में वो गेट पर था जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से, जिससे डर के वो सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घर इतने सालों से खाली पड़ा है तो ये इसका मालिक कैसे हो सकता है और आखिर वो शख्स था कौन? नंबर टू, मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर बहुत अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी वीडियो में करते हैं। कभी लिक्विड नाइट्रोजन से खेलते हैं तो कभी थाल को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन काफी पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो भूत कैमरा में कैद करना चाह रहे थे क्योंकि वो जहां रहते हैं वहां के लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत रहता है। इसी की जांच करने के लिए उनकी टीम ने पूरी तैयारी से उस जगह की छानबीन की लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी वीडियो में कुछ दिखता है जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो उन्हें पता चला कि सफेद कपड़ों में कोई पीछा खड़ा था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए, जिसको चेक करने के लिए वो सुबह में गए उसी सेम जगह पर। तो पता चला कि उसी सेम जगह पर तो एक ब्लैक कपड़ा टंगा हुआ था जो रात में कैमरे की वजह से व्हाइट दिख रहा था और उनका कहना था कि इल्यूजन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो साथ में चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो वही भूत था जो उनके साथ वापस आया था उस भूतिया जगह से जहाँ पर वो गए थे। लेकिन आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर फोर, ट्रिगर्ड इंसान। निश्चय मलान, जिन्हें ट्रिगर्ड इंसान के नाम से मोस्टली जाना जाता है, एक बार ये गेम खेलते हुए अनजाने में उनके साथ ऐसी चीज हुई जिसे देखकर वो भी शॉक हो गए थे। एक बार ट्रिगर्ड इंसान मजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में गेम खेलकर उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी। लेकिन बंद उन्होंने अकेले नहीं की थी, उनके साथ कोई और भी था। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि उनके रूम में एक बहुत ही अजीब शैडो है लेकिन किसी इंसान की, लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके व्यूवर्स ने उस क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड किया क्योंकि हो सकता है कोई रूम में आया हो जो कैमरे में ना दिखा हो। लेकिन ये फोटो देखने के बाद ट्रिगर्ड इंसान भी शॉक हो गए और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और कहां से आई, लेकिन अब उन्हें भी डर लग रहा था। नंबर फाइव, टेक्नो गेमर्स। उज्जवल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप के क्रिएटर है और ऐसे ही दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ उज्जवल के साथ जिससे वो पूरी तरह सदमे में रह गए थे। एक दिन की बात है जब वो घर में अकेले थे और उनके घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तब वो ऊपर जाते हैं तो रास्ते में एक फुटबॉल रखी होती है जिसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने रूम से नीचे हॉल में टीवी देखने लगते हैं। काफी देर तक देखने के बाद वो अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के 4 बजे के करीब उन्हें लगता है कि कोई आया है और उनके डोर पर कोई नॉक करता है जिससे उनकी आंखें खुल जाती है और जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो कोई नहीं होता। लेकिन उन्हें बाथरूम से आवाज आती है तो एक टैप ऑन होती है जिससे वो जैसे ही बंद करते हैं तो उनके पीछे धड़ाम से एक पेंटिंग गिर जाती है जिसे सुनकर वो एकदम डर जाते हैं। इतने में वो कुछ समझ पाते, इतने में लाइट भी चली जाती है और वो फोन के फ्लैश ऑन करके नीचे उतरते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है, इतने में लाइट भी आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ करते हैं वो पास आते चले आता है, ये देखकर वो भी डर जाते हैं और लाइट ऑन करते ही रूम में भाग जाते हैं और चादर के नीचे छुप जाते हैं। तभी रूम के गेट पर जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है और कोई अलमीरा खोलता है और उनकी आरसी कार अपने आप जाने लगती है जिसके टायर्स पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर
स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है और जैसे ही वो स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उन्हें कोई चीज पूल में धक्का दे देती है, जिसे बाद में वो खुद को भी पहुंच छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते और वीडियो यही खत्म हो जाती है। क्योंकि ये अमेजिंग स्टोरी थी उनकी वीडियो की होम अलोन की, जो सच में बहुत गजब की थी, जिसे देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उज्जवल के साथ एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जरूर हुआ था। एक बार वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें किसी ताबूत में बंद करके रखा है और कोई उन्हें दफना रहा है, और वो जाग भी रहे थे लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। ये सब वो रियल में फील कर पा रहे थे। लेकिन काफी देर के बाद उनकी बॉडी रिलीज होती है और वो चैन की सांस लेते हैं। नंबर 6, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, जिन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ना ही इनसे कुछ लेना देना होता। लेकिन ओके टेस्टेड में एक बहुत ही ब्रेव चैलेंज लिया था जो उन्हें काफी भारी पड़ गया। ये अपने चैनल पर अक्सर ही चैलेंज वाले वीडियोस करते रहते हैं, और जैसे फूड चैलेंज की इनके वीडियोस होते हैं और भी बहुत कुछ। ये इस बार इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और घोष को 5 अलग अलग बहुत ही फेमस तरीकों से बुलाने की कोशिश की, जैसे ओइजा बोर्ड, कैंडल कॉल एक्सेट्रा। ये सारे कॉलिंग तो इजीली हो जाते हैं, उन्हें बस थोड़ा बहुत अजीब फील आती है और बस ऐसा लगता है जैसे कोई है, लेकिन लास्ट में उनकी बॉडी अचानक से ही गूज़बम्प्स फील करने लगती है और इसके बाद वो रेडी होते हैं अपने फाइनल स्पिरिट को कॉल करने के लिए, जो था ब्लडी मैरी। जैसे मैंने भी एक बार ट्राई किया था भाई, सच में फट गई थी। ये कॉल करने के लिए दोनों मेंबर अलग अलग वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने ब्लडी मैरी को बुलाने लगते हैं। सबसे पहले तो टीम के मेंबर जिनका नाम सत्यम था उन्हें भी कुछ बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो दूसरा मेंबर भी ट्राई करते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन सत्यम उनके गेट के बाहर आकर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये उसे मना करते हैं ऐसा करने को, लेकिन वो नहीं मानते। फिर भी वो ब्लडी मैरी को बुलाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये उस हंसने वाली बात को डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है सत्यम दूसरे मेंबर के पास गए भी नहीं। ब्लडी मैरी के टाइम पे मैं वॉशरूम में था, क्या तू मेरे वॉशरूम के बाहर आकर हंसा था? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर सत्यम नहीं है तो ये फिर कौन था। भाई आपके लिए ये बोनस मोमेंट, हम बात करने वाले हैं मिथ पैट की। आपने देखा होगा कि गेमर्स जब भी कोई हॉरर गेम खेलते हैं तो वो रिएक्शन में थोड़ा मसाला डाल लेते हैं या फिर ऐसा एक्ट करते हैं कि वो सच में बहुत डर गए थे, लेकिन गेम में उतना नहीं हुआ होता जितना वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन मिथ पैट का ये रिएक्शन देखकर आपको सच में लगेगा कि ये बहुत डरे हुए हैं। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जेन्युइनली डरे हुए हैं। इससे पहले मैंने कोई भी यूट्यूबर को इतना जेन्युइन रिएक्शन नहीं देते हुए देखा जितना ये दे रहे थे। पर ऐसा ही बहुत सिमिलर इंसिडेंट हुआ अंशु बिस्ट के साथ। ये गेम खेल रहे होते हैं, वैसे ही ये मोमेंट हॉरर भी है और थोड़ा फनी भी। ऐसा गेम खेल रहे होते हैं और धड़ाम से एक साउंड आता है और आप इनका रिएक्शन देख सकते हो। ये टोटली हॉरर मोमेंट तो नहीं है लेकिन इनका रिएक्शन थोड़ा फनी सा लगा मुझे, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक मार देना।